आबे स्पीकर, इंफॉर्मेशन एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी हमारे सूबे की मुआशी तरक्की और जिद्दत के लिए नागजीर है। जदीद दौर के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए हमें आईटी सॉल्यूशंस और डिजिटल फ्रेमवर्क को तमाम शोबों में अपनाना होगा। हम रवा माली साल में 4 अरब रुपए की लागत से पंजाब आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के नाम से इनकलाबी प्रोग्राम का आगाज करने जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, डिजिटल पंजाब वीएन के तहत 5 साल में कम से कम 5 IT सिटीज बनाएंगे। ये आईटी शहर हाईटेक सनतों, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी रिसर्च के शोबों में मुल्क के टॉप नॉच आईटी प्रोफेशनल्स को अपनी सलाहियतों का मौका देंगे और हुकूमती खिदमात की डिजिटलाइजेशन में मददगार साबित होंगे। पहले कदम के तौर पर 10 अरब रुपए की लागत से शहर लाहौर में नवाज शरीफ आईटी सिटी की बुनियाद रखने जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, दुरुस्त और जामे डेटाबेस के बगैर मुअस्सर पॉलिसी साजी नामुमकिन है। रवा माली साल में 50 करोड़ की लागत से पाकिस्तान में अपनी तर्ज की पहली प्रोविंशियल डेटाबेस अथॉरिटी के क्याम का फैसला किया गया है। जनाब स्पीकर, नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजीज और आईटी के शोबे में अमली तजर्बा फराहम करने के लिए 1.5 अरब रुपए से पंजाब आईटी ग्रेजुएट्स इंटर्नशिप प्रोग्राम तैयार किया गया है, जो आईटी ग्रेजुएट्स को तालीमी काबिलियत के मुताबिक बेहतरीन अमली तरबियत और कैरियर के मौके फराहम करेगा। इसी तरह आईटी के शोबे में नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल के लिए 1 अरब रुपए की लागत से ग्लोबल आईटी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, ताकि हमारे नौजवान बैनुल अक्वामी सतह पर कंपीट कर सकें, इनकी मार्केट वैल्यू बढ़े और आलमी सतह पर इन्हें पहचान और शनाख्त भी मिले। जनाब स्पीकर, 25 करोड़ रुपए की लागत से पंजाब दस्तक प्रोग्राम का अवामी मंसूबा शुरू कर रहे हैं। पंजाब के शहरी घर के दरवाजे पर 43 मुख्तलिफ सरकारी खिदमात से फायदा उठाएंगे। एक आसान मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए इन्हें ये खिदमात मुयस्सर होंगी। पहले मरहले का आगाज 10 अवामी खिदमात की फराहमी से किया जा रहा है। दूसरे मरहले में 25 और 1 साल में तमाम 43 अवामी खिदमात डिजिटलाइज कर दी जाएंगी। जनाब स्पीकर, सस्ता इंटरनेट और आसान रसाई डिजिटल पंजाब के मंसूबे का बुनियादी जुज है। अहले पंजाब बिलखसूस तालिब इल्मों को मुफ्त वाईफाई फराहम करने जा रहे हैं। इस मंसूबे की लागत 1 अरब रुपए है। जनाब स्पीकर, तालीम, सेहत, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, वुमेन डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स, यूथ अफेयर, बहबूद आबादी और समाजी तहफ़ जैसे अहम सोशल सेक्टर्स के लिए कुल 236 अरब 37 करोड़ रुपए की तरक्याती रकम मुख्तस की गई है, जो रवा माली साल के तरक्याती बजट का 36% है। इसके अलावा तमाम वासाज के लिए रवा माली साल में 9 अरब के फंड्स मुख्तस किए गए हैं। जनाब स्पीकर, हमारा ख्वाब है कि पंजाब का कोई बच्चा स्कूल से बाहर ना हो, कोई बच्चा तालीम से महरूम ना रहे, इन्हें मियारी तालीम की फराहमी भी यकीनी हो। यही वजह है कि शोबा तालीम के लिए रवा माली साल में मजमूई तौर पर 595 अरब 8 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिसमें से 537 अरब और 40 करोड़ रुपए
गैर तरक्याती बजट की मद में रखे गए हैं, जबकि रवा माली साल के कुल गैर तरक्याती बजट का 26% बनता है, जबकि 57 अरब और 68 करोड़ रुपए शोभा तालीम के तरक्याती अखराजात के लिए मुख्तस किए गए हैं, जो कि रवा माली साल के कुल तरक्याती बजट का 9% बनता है। शोभा तालीम के लिए मुख्तस शुदा मजमूई तरक्याती बजट में से महकमा स्कूल एजुकेशन के लिए 44 अरब 41 करोड़ रुपए, महकमा हायर एजुकेशन के लिए 9 अरब 36 करोड़ रुपए, और जबकि महकमा लिटरेसी व गैर रस्मी तालीम के लिए 2 अरब 99 करोड़ रुपए, और महकमा स्पेशल एजुकेशन के लिए 92 करोड़ रुपए रखे गए हैं। जनाब स्पीकर, तालीम ही कौमों की तरक्की की बुनियाद है। आज दुनिया में इल्म की बुनियाद पर हैरत अंगेज तरक्की हो रही है। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा तालीम के शोबे को बेहद अहमियत दी है। इसी विजन के तहत इनकलाबी इकदामात की बुनियाद रखी जा रही है। 2 अरब रुपए की लागत से 1 जामे और जदीद पंजाब एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत तरबियत याफ्ता असातिज़ा की खेप तैयार की जाएगी, जो जदीद टीचिंग टेक्निक्स और तालीमी रुझानात से रूशनास हों। महरूम और मतवस्त तबकात के बच्चों और बच्चियों के हसूल इल्म को यकीनी बनाने के लिए जामे कोशिश की जा रही हैं। बच्चों को मुफ्त निसाबी किताबों की फराहमी के लिए 11 अरब रुपए के फंड्स भी रवां माली साल में मुख्तस किए गए हैं। जनाब स्पीकर, इल्म का नूर फैलाने के लिए मुस्लिम लीग नून ने दानिश स्कूल के इनकलाब का आगाज किया था। हमारी हुकूमत ने इस मंसूबे को बहाल करने और मजीद आगे बढ़ाने का फैसला किया है। पूरे पंजाब में दानिश स्कूल और सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस का जाल बिछाएंगे। 5 साल में पंजाब के हर जिला में जदीद सहूलियात से आरास्ता एक दानिश स्कूल कायम होगा, और इसी अजीम मकसद के लिए रवा माली साल में 1 अरब 30 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की जा रही है। जनाब स्पीकर, मुस्लिम लीग नून की हर हुकूमत ने ज़हीन तलबा तालिबात की इल्म हासिल करने की ख्वाहिश की राह में वसाइल की कमी की रुकावटें हमेशा दूर की हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए 1 अरब की लागत से चीफ मिनिस्टर इंटरनेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम के आगाज की खुशखबरी दे रहा हूं। पंजाब के तलबा और तालिबात को काबिलियत की बुनियाद पर दुनिया के आला तरीन तालीमी इदारों और आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल करने के मौके मिलेंगे। जनाब स्पीकर, आज मुझे कायदे मोहतरम मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और जनाब शहबाज शरीफ साहब की शुरू करदा लैपटॉप स्कीम के इनकलाबी प्रोग्राम की बहाली की खुशखबरी सुनाते हुए बड़ी खुशी हो रही है, जिस पर 1 अरब 50 करोड़ रुपए की लागत आएगी। लैपटॉप देकर हमारी क्यादत ने मुल्क में आईटी के इनकलाब की बुनियाद रखी थी। अफसोस, माजी में से सियासी रिश्वत और उन लोगों ने करार दिया जिन्होंने नौजवानों को बंदूक, पेट्रोल बम, लाठियां और डंडे थमाए। 9 मई जैसे यौम सियाह पर बारूद के तौर पर इस्तेमाल किया। शोदा की बेहुर्मती और कौमी यादगारों की तोहीन के लिए इस्तेमाल किया। यही लैपटॉप था जो कोरोना के दौरान नौजवानों के लिए रोजगार का जरिया बना था। अल्लाह ताला के फज़ल व करम से अब फिर से हमारे नौजवान के हाथ में उनका अपना लैपटॉप या टैबलेट होगा। हर नौजवान, खास तौर पर
मुस्तहिक तालिब इल्मों की तालीम के लिए पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड को जदीद खतूत पर उस्तवार करने जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, स्पेशली एबल्ड बच्चे हमारे मुआशरे का एक अहम और कीमती हिस्सा हैं। हम अपने इन बच्चों को सलाहियत और अहमियत के लिहाज से दीगर से कम नहीं समझते, बल्कि हमारी तो ज़्यादा तवज्जो इनकी तालीम, फलाह बहबूद और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के मौके देने पर रहेगी। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा एक माँ के तौर पर इस शोबे पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रही हैं। हुकूमत स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को जदीद मियार के हम पल्ला बनाएगी और इनकी तादाद में इजाफा भी किया जाएगा।